मेरे भाइयों, ये एक जूता है जो कि रिबॉक कंपनी का है। ये एक रिबॉक कंपनी का जूता है मेरे भाइयों। ये देखो मेरे भाइयों, इसका डिजाइन देखो आप। ये रिबॉक कंपनी का जूता है मेरे भाइयों। ये जूते आज सुबह मेरे को कपड़े और जूते चाहिए थे, इसलिए मैं ये जूते लेने के लिए, एक हमारा फ्रेंड है जो बॉयजोन के नाम से दुकान कर रखी है, मैं उसके पास जूते लेने गया। उसने मुझे ये जूते 3000 रुपए के बताए और मुझे ये जूते उसने दिए 2500 रुपए के। मैंने उसको बोला, भैया ये जूते आप महंगे दे रहे हो, तो उसने मुझे ये बात बोली कि भैया लोगों को 3000 दे रहे हैं, आपके लिए सिर्फ ये 2500 रुपए के जूते हैं। मैंने भैया विश्वास किया, उसे 2500 रुपए दिए और मैं ये जूते ले आया। जब मैं किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होके गया, घर से निकला, तो मेरे कोई दोस्त दूसरी दोस्त की दुकान पे गया, तो उसने पूछा ये जूते कहाँ से लाया। रिबॉक के शोरूम से। मैंने कहा नहीं, ये तो अपने दोस्त बॉयजोन से लेके आया हूँ। पर भैया, उसने बोला कि कितने के लेके आया। मैंने बोला 2500 रुपए के। तो उसने बोला ये जूते तो 1600 रुपए के हैं। मैंने कहा यार इतनी ठगी कैसे हो सकती है, 900 रुपए की, 1000 रुपए की ठगी हो सकती है, 100 रुपए की हो सकती है, 9 या 1000 की ठगी नहीं हो सकती। वो कहता नहीं भैया, और उसने मुझे एक जूता दिखाया इसी कलर में, यही कंपनी रिबॉक का। उसने मुझे बोला भैया आपको उसने बिल दिया है। मैंने कहा नहीं दिया भैया। तो एक बात बताओ भैया, वो 1600 रुपए में जो जूता दे रहा था और ये इसने मुझे 2500 रुपए लगाए। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भैया कपिल भैया आपने इस जूते को मेरे से 2500 रुपए लिए हैं। तो वो बोला क्या ये मेरा एक नंबर का माल है और वो जो आपको दे रहे हैं वो 1200 में मिल जाएगा, 1400 में मिल जाएगा, 1600 में मिल जाएगा, वो 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर जूते हैं। तो भैया बिल तो वो 1600 रुपए वाले भी नहीं देते और ये 2500 रुपए लिया बिल इसका भी मुझको उन्होंने नहीं दिया। और वो मेरा जो दोस्त है वो कहता है ये दिल्ली के गफार मार्केट से एक ही रेट में, एक ही समय और एक ही रेट में आते हैं। तो मेरे भाइयों, ये बॉयजोन वाला ठगी मचा रहा है पूरे शहर के अंदर। मेरे नौजवान भाइयों से अनुरोध है, अगर आप जूते लेने जाओ या किसी प्रकार के कोई कपड़े लेने जाओ तो 10 दुकानों पे फिर के जाएं, ये मत देखें वो हमें उधार दे रहा है, वो उधार में आपको लूट रहा है। ये जूते की कीमत 1600 रुपए है मेरे भाइयों, 1600 रुपए, और वो 2500 रुपए ले रहा है, ये कहां का इंसाफ है भैया। मैं पैसे दे के आया हूँ, मैंने उसको बोला वापिस ले ले, वो कहता है भैया बिकी हुई चीज, मेरा दोस्त है मुझे बोलता है भैया बिकी हुई चीज वापिस नहीं होती। उसने मेरे साथ आज ये ठगी मारी। मैं मोर सिंह चौक में रहता हूँ, मोर सिंह चौक के मेरे लड़कों ने ये बात बोली मुझको, क्या भैया ये बॉयजोन वाला ठगी मारता है, 2500 रुपए जूते लोग 1600 में दे रहे हैं। मैंने उनकी बात पे विश्वास नहीं की, पर आज जब मैंने ये जूते खुद खरीदे और मुझे खुद एक दूसरे दुकानदार ने ये बात बताई और ये जूते दिखाए तो मेरे होश उड़ गए। तो मेरे भाइयों और नौजवानों, सबसे ये अपील है, गंगानगर शहर के अंदर अगर आप बॉयजोन जो राधेश्याम रोड के ऊपर दुकान है उससे जूते लेने जाएं तो 10 बार सोच के और 10 दुकानों पे फिर के फिर जूते लें और कपड़े लें, वरना उस दुकान पे जाने का कोई फायदा नहीं है भैया, वो शहर में लूट मचा है। और मेरा अनुरोध है मेरे भाइयों और नौजवानों से, आप इस लूट से बचें। आपका पैसा कीमती पैसा है, आपको बढ़िया चीज और दुकानों पे भी मिल रही है, ये कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा, मेरा उसके साथ कोई झगड़ा है, पर आज उसने मुझे ठगा, मेरा 900 रुपए लगा, मुझे बड़ा दुख हुआ मेरे भाई। एक गरीब जब दिहाड़ी के लिए जाता है तो 3 दिन में 900 रुपए इकट्ठे होते हैं और उसने मेरे से एक मिनट में 2500 रुपए ले लिए मेरे भाई। तो मेरा अनुरोध है, मैं तो ठगा गया, पर आप ना ठगे कोई भी दुकानदार से, अगर कोई चीज लेने जाए तो 10 बार 10 जगह फिर के फिर लेके आए, चाहे वो नगद लेके आए चाहे वो उधार लेके आए, 10 जगह फिर के फिर ये ऐसा कपड़ा जूता जो लाना हो आप लेके आए, मुंह चक के ना जाए मेरे भाइयों। आपसे यही अनुरोध है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने नौजवान भाई ठगबाजों से बच सके, यही मेरा आप लोगों को उद्देश्य है, इन ठगों से बचने के लिए ये उद्देश्य आप तक पहुंचाया गया है मेरा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय मेरे भाइयों।